Hey everyone, welcome back to my channel guys. जैसे आप background में देख सकते हो, मैं हिमाचल में हूँ. मेरे गांव में बहुत ही बेकार हो रहा है यहाँ पे. तो आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरा पुराना घर, मतलब जहाँ पे पहले हम रहते थे. अब तो सबके अपने अपने घर बन गए हैं, बट पहले हम सब जॉइंट फैमिली में रहते थे. तो मैं आपको वो दिखाऊंगी और मेरी दादी से भी मिलवाऊंगी और मेरी एक और दादी उनसे भी, मतलब अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊंगी मैं आज आपको. तो चलो चलते हैं, देखते हैं कैसा होता है. तो ये हमारे गांव का मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, शिव जी जी का टेम्पल है. अभी मैंने शूज़ पहने हैं, अदरवाइज मैं अंदर जाके दिखाती हूँ. मम्मी तो जा रही है अंदर, तो मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे स्कूल भी है, एक गवर्नमेंट स्कूल. अभी तो मे भी ये बंद है, आंगनवाड़ी के लिए बैठते हैं यहाँ पे. और हमारे गांव को ये वाली सड़क जाती है, मतलब बहुत पास है. हमारा घर नीचे की तरफ है और यहाँ पर ऊपर हमारा पुराना घर है. तो चलो चलें. तो गाइस, जो ये हमारे पीछे खड्डा है ना, मतलब मेरे पीछे, मम्मी बताती है कि बहुत पुराने ज़माने में ना, जब पानी की लाइन नहीं आई थी ना, तो यहाँ कपड़े धोते थे. पता है मम्मी को बहुत अजीब सा लगता था तो यहाँ कपड़े धोते थे. अब ये से यूज़ में नहीं है तो ये और ज़्यादा बेकार हो गया. तो ये हमारे गाँव को जाने की सड़क है. इसके लिए ना कभी ये बनी ही नहीं है, पता है. इतनी बार कंप्लेन डाली बट यह आज तक नहीं बनी है. वैसे तो रोड बनती है, टूटती है क्योंकि पहाड़ है, बट ये वाली कभी बनी ही नहीं. बजरी वजरी भी आती है, बजरी डाल के चले जाते हैं, बट कभी भी एकदम अच्छे से इसका कंस्ट्रक्शन शुरू ही नहीं हुआ, पता है. अभी इलेक्शन है बट मुझे लगता है अभी भी कुछ काम नहीं होगा. हमारे वहाँ का तो अच्छे से हुआ नहीं है, यहाँ का क्या ही होगा. तो गाइज, ये मेरा गांव है, मतलब ये यहाँ पे, ये हमारा पुराना घर है. खड्डे यहाँ पे भी सब बोलते हैं यहाँ बहुत बड़ा सांप है. और पानी जब सूखता है ना तब वो दिखता है, पता नहीं कहना है या सच में बहुत बड़ा, मतलब एनाकोंडा है यहाँ पे. ये मेरी ताई जी का घर है, मतलब ये मेरी सेकंड ताई है और ये मेरे भैया लोग हैं तो ये मेरी ताई का घर है. ये है मेरी सबसे बड़ी ताई से छोटी ताई, मतलब जो लक्की भैया है ना और शिव भाभी, जिनकी मैंने व्लॉग में डाल रखा है, उनकी मम्मा. और ये हमारे पुराने घर है, मतलब अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है. यह ये मेरी दादी का कमरा है, अभी इनके पास भी जाएंगे. मम्मी की शादी से पहले ना ये था, बट सिर्फ यही नहीं था, ये भी था. ये दो कमरे थे बस, ये हमारा कमरा था. तो ये हमारा पुराना घर है, यहाँ पे मेरी चाची रहती है अब, और मेरी चाची वो रही, पता नहीं कुछ कर रही हैं. तो चलो दादी के पास चलते हैं, मेरी दादी दिखाते हैं. मेरी दादी बड़ी सुंदर है. माता जी नमस्ते, कैसे हो आप? कैसे हो? तबीयत ठीक है अब? चल माता, मैं ना ब्लॉग बना रही हूँ, मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ आप कितनी सुंदर हो. माता ना अभी ना, माता आपके 100 साल हो रही होंगे ना, आप एज कितनी हो रही है आपकी? देखो 100 साल और इतनी सुंदर है मेरी माता. मेरी माता के फेस में एक भी दाग भी नहीं है. तो मेरी दादी बहुत सुंदर थी, बहुत ज्यादा. मैंने सोचा कि मेरे फ्रेंड्स को दिखाती हूँ कि मेरी दादी कैसी दिखती है, तो इसलिए. तो गाइस, ये हमारा पुराना घर था, माता इधर ही रहती है. तो और ये मेरी कजन है, मेरी सबसे छोटी बहन है ये. मैं इसकी छुट्टियाँ पड़ी है, मतलब ये छुट्टी लेके आई हुई है. तो चलो अब इधर चलते मेरी ताई से मिलने. इधर इसने बताया कि प्रिया भाभी तो सोई हुई है अभी. वैसे भी हम आए दोपहर के टाइम है ना, अभी सब खाना खा के सो रहे होते हैं. हमने नींद खराब कर दी भाभी की, अब भाभी हमारी खातिरदारी करेंगी और भाभी पानी ला रही है एकदम गेस्ट वाला ट्रीटमेंट. अच्छा देखो, मम्मी सबसे पहले मम्मी से मिलूंगी, मम्मी से ही मिलूंगी. तो गाइस, ये छुप रही है, भाग रही है. ये मेरी छोटी बहन है, अभी इंस्टाग्राम पे आ गई है. और ये अम्मा, ये अभी नीचे आई थी, अभी ये धूप सेक रही है. अम्मा को सुनाई नहीं देता बिल्कुल भी.
ये नहीं आएगी बाहर यार, आ जा बाहर, शर्म आती है। ये आया आया, मुझे सुनने के लिए आ रहा है ये। ओ तो यहाँ पे वॉशरूम होते हैं, ये भी हमारा पुराना घर है, यही पुराना घर है हमारा। यहाँ पे ये बना रखा था, जब भी कुछ धाम होती थी तब का ये बाथरूम, टॉयलेट, जब हम सब जॉइंट फैमिली में रहते थे हम ऐसे यूज़ करते थे। ये हमारे जो घर है ना, यहाँ हमारी रसोई होती थी, ये वाली जो मैं आपको रसोई दिखाती हूँ। अब ये रसोई नहीं है, चाची ने तो रसोई उधर बना दी है, बट पहले जब जॉइंट फैमिली थी तो यहाँ रसोई होती थी। तो गाइज अब मैं आपको, मतलब अभी भी मैं मेरे पुराने घर में हूँ और मैं बाप को लेके जा रही हूँ आगे की तरफ। मेरे एक और ताऊ ताई हैं उनके पास, मतलब दो ताया जी के घर और रह गए, बस एक और है जो पीछे दिख रहा है। ये मेरे सबसे बड़े ताऊ जी का घर है, इस जगह को बोलते हैं खौड़ा। खौड़ा, मेरे गले में बहुत दर्द है, अभी तक मेरा गला ठीक नहीं हुआ है यार, मुझे पता नहीं कब ठीक होगा। ऐसे अभी मैंने जूस भी पिया शायद इसलिए ख़राब हो गया। तो आगे चलते हैं, अभी आपको मैं यहाँ का दिखाती हूँ, चलो चले। तो ये रास्ता है, अब आपको मैं दिखाती हूँ। ये भी मेरी ताई जी हैं, ये रही ताई जी, नमस्ते। आते हैं अभी आपके पास, मम्मी ऊपर गई है। तो चलो मैं अब आपको आगे का दिखाती हूँ। सनसेट हो रहे हैं, बाथरूम में ना ऐसे ही घर होते हैं, मतलब इसे सेल बोलते हैं, सेल। पहले ज़माने में ना ऐसे ही बनाते थे, फिर पक्के घर बनने लग गए। तो ये आम पापड़ है, अभी मुझे ताई ने दिया, बहुत टेस्टी होता है ये, बहुत ज़्यादा, और ये कहीं नहीं बनता पता है, ये सिर्फ यहीं बनता है हमारे एरिया में। अदरवाइज हिमाचल में आम पापड़ देखोगे ना, दूसरे वाले मिलते हैं येलो येलो कलर के, इस कलर का कहीं नहीं मिलता। और इसका टेस्ट पता है कैसा होता है, एकदम खट्टा मीठा, बहुत यम होता है, बहुत ज़्यादा। और इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पता है क्या, आम मैंगो की ना प्यूरी बनती है, और फिर बाद में उसको एक बार लगाओ फिर वो सूखता है, फिर उसके ऊपर फिर से लगाओ फिर सुखाओ फिर, है ना ताई जी, बहुत मेहनत लगती है ना, बहुत ज़्यादा। जो ये इतना मोटा दिख रहा है ना, इसमें पता नहीं कितने सारे मैंगो लगे होंगे, बहुत सारे। तो अब हाँ, तो अब हम जा रहे हैं इंदई के घर। तो चलो, बहुत अंधेरा हो गया, बहुत बैठे थे, तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो यहाँ पे गायें बंधी हैं, अंधेरा हो चुका है, मैं लाइट ऑन करती हूँ। ये दांत, हाँ वो देखो, भैंस भैंसे हैं, दो भैंसे, एक दांत और एक गाय, बाय। तो यही था व्लॉग गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये मेरे पुराने घर थे, अब हम जा रहे हैं वापस। तो मैं रोज़ व्लॉग डालूंगी क्योंकि अभी मैं हिमाचल में हूँ। तो चलो मिलते हैं कल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।